हे दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूँ प्यारे दोस्तों अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं जी हां दोस्तों यूपी एनएचएम की तरफ से सी ऑफिसर की भर्ती आ चुकी है जी हाँ दोस्तों यू पी एन भर्ती दो दोस्तों यू पी की तरफ से सी ऑफिसर के चार पदों पर भर्ती आ चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पर शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है दोस्तों आपको बता दें आप लोगों की यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुकी है और बहुत ही जल्दी दोस्तों भर्ती निकाली गई है अक्टूबर में ही दोस्तों भर्ती आ चुकी है इसके पहले दोस्तों पांच पाँच पदों पर भर्ती निकाली गई थी जिसका एग्जाम दोस्तों हो चुका है जी हाँ सेप्टेम्बर में दोस्तों इसका एग्जाम हुआ है अब यहाँ पे अक्टूबर में दोस्तों एक और सी ऑफिसर की भर्ती आ चुकी है इसका दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है तो बल्ले बल्ले बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि नोटिफिकेशन ये दोस्तों इक्कीस अक्टूबर को रात को आठ बजे के आस पास यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है और आज दोस्तों मैं सुबह यह वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लगा माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दू इसलिए दोस्तों मैं आपको अपडेट इस समय सुबह सुबह दे रहा हूँ तो आप लोग देखोगे आज बाईस अक्टूबर आपकी अपडेट दे रहा हूँ जिसमें इस वीडियो में क्वालिफिकेशन क्या होगी जॉब लोकेशन क्या होगी सैलरी कितनी मिलेगी और आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन कब पब्लिश किया जाएगा मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा कि वीडियो वाली है, इसलिए दोस्तों आप जोड़ के विनती है वीडियो को दोस्तों आप लोग इसके मत करिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी लेके चलते हैं देखिए दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो चुका है इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग दोस्तों इस वेबसाइट पे आ सकते हो उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ यूपी यूपी एनएचएम का दोस्तों वेबसाइट है और जैसे आप लोग नीचे आओगे तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है प्रेस नोटिफिकेशन फॉर कंट्राक्चुअल वैकेंसी फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड सी एच ओ ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी जो कि संविदा पर निकाली गई है आप लोग देख सकते हो प्रेस एडवर्टाइजमेंट फॉर कंट्रेक्चुअल फोर थाउजेंड सी एच ओ पोजिशन यहाँ पे आप लोग देख लेना बाकी इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करना है क्लिक करके डाउनलोड लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है क्लिक करके डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कीप कर लेना है और आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया गया है डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है इक्कीस अक्टूबर 2022 तो कल की डेट में रात को आठ बजे के समथिंग जो है यह फुल नोटिफिकेशन तो नहीं बोलेंगे दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है क्लियर है मैंने सोचा सुबह वीडियो बनाता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसे थोड़ा समय लगा बाकी आप लोग नोटिफिकेशन देख सकती हो ये नोटिफिकेशन है और तो ऊपर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखोगे तो स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट एस एस पी एम यू नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश इसका दोस्तों रेफरेंस नंबर दिया गया है इसे नोट कर लो फाइव टू सेवन फोर और यहाँ पर देखोगेमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सी एच ओ के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है जी हाँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है अगर आप लोग वेट कर रहे थे तो नेशनल हेल्थ मिशन एन एच एम उत्तर प्रदेश इन्वाइट्स ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सी एच ओ अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम गवर्नमेंट ऑफ यू पी एंड एंड वेलनेस सेंटर में दोस्तों जो कि सब हेल्थ सेंटर्स एज एंड वेलनेस सेंटर्स में सी एच ओ ऑफिसर की ज्वाइनिंग दी जाएगी क्लियर है इसके लिए चार हज़ार पदों पर सी ऑफिसर की दोस्तों भर्ती यहाँ पे निकाली गई है जो कि संविदा पर यह भर्ती दोस्तों निकाली गई है बाकी वैकेंसी की जो डिटेल्स है यह जब आप लोगों की फुल नोटिफिकेशन पब्लिश की जाएगी उस समय वैकेंसी की जो डिटेल्स है पब्लिश की जाएगी इसके साथ ही कब से आप लोगों को अप्लाई करना है इसकी जानकारी होगी और कब तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे लास्ट डेट क्या है यह फुल नोटिफिकेशन में होगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वैकेंसी जो है आपके फुल नोटिफिकेशन में होने वाली है तो थोड़ा वेट करिए पाँच दिनों के अंदर जी चार से पांच दिनों के अंदर हंड्रेड परसेंट आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा और दोस्तों ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा आप लोग वेट करिए डिटेल नोटिफिकेशन के यहां पे आप लोग वेट करिएगा उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन होगी जैसे कितनी वैकेंसी है लास्ट डेट क्या होगी ऑनलाइन डेट क्या है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसके साथ ही यहाँ पे स्टार्टिंग डेट क्या है क्लोजर डेट क्या है और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी जो डिटेल्स अप्लीकेशन फॉर्म एंड जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है इन सभी की डिटेल्स जो है आपको फुल नोटिफिकेशन में बाद में पब्लिश जाएगी थोड़ा वेट करिए चार से पांच दिनों के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बाकी अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन के बारे में तो अगर आपने दोस्तों देखिए अकेडमिक ईयर 2022 हजार बाईस यहां पर दिया गया है 2020 दिया गया है इसमें 2020 के बाद वाले यहां पे अप्लाई करेंगे क्लियर है 2019 से 2020 हज़ार के सेशन के बाद ही वाले यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे इसमें अगर आपने बीएससी नर्सिंग का रखा है इसके साथ ही यहाँ पे सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज सी सी कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो इसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखे हो और आपने सी सी कर रखा है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो रजिस्ट्रेशन आपके पास अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का है या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो एकेडमिक ईयर दो के बाद वाले यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन हाँ आपके पास CCHN होना चाहिए बिना CCHN के दोस्तों आप लोग फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे क्लियर है तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में बोला गया है कि 2019 से 2020 का जो सत्र होता है जो एकेडमिक ईयर होता है 2019 से 2020 में अगर इसमें आपने बीएससी नर्सिंग का फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लिया है या फोर्थ ईयर था आपका 2019 से 2020 में जो यहाँ पे सत्र अगर इसमें आपका फोर्थ ईयर था बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे क्लियर है लेकिन सी आपके पास होना चाहिए बिना सी के देखिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे पहले बोल रहा हूँ इसके अलावा इसी सत्र में दो से 2020 के सत्र में अगर आपने पोस्ट बेसिक बी नर्सिंग का सेकेंड ईयर था तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो इसमें दोस्तों जी जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे पहले बोल रहा हूँ फिर जी जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे दूसरे स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें बी नर्सिंग प्लस सी सी एच एन वाले अप्लाई कर पाएंगे और पोस्ट बेसिक बी एस सी नर्सिंग प्लस सी सी एच एन अगर आपने कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो 2020 के बाद वाले यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बाद बाकी मैंने एकेडमिक ईयर भी बता रखा है 2019 से 2020 के बाद ही वाले अप्लाई करेंगे अगर 2018 से 2019 है तो आप लोग फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाओगे 2017 से 2019 से तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे चाहे फिर भी आपके पास सी हो तब भी अप्लाई नहीं कर पाओगे क्लियर है हमने आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं बाकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपके पास उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है यानी कि यूपी पी नर्सेज एंड मिडवाइफ़ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो लेकिन जिस दिन आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी सी एच ओ ऑफिसर की उस ज्वाइनिंग से ए, ए, तीन महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा सी एम ओ को क्लियर है तो फिर बता देता हूँ यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो लेकिन जब आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी उसके तीन महीने के अंदर आपको है ना तीन महीने के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना ही होगा जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट है क्लियर है बाकी जो आपकी स्लिप है रजिस्ट्रेशन स्लिप की जो कॉपी है उसके थ्रू आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर अभी मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है क्या मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं तो जी हां आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसके साथ ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो बाकी जब आप लोग को ज्वाइनिंग होगी तीन महीने का समय दिया जाएगा तो आप लोग जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देना ये इंपॉर्टेंट था क्लियर है अच्छे से वीडियो देख लो दो से तीन बार दो सौ मैं रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए मैं एक बार वीडियो बना देता हूँ उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंशन कर देता हूँ फिर भी मेरे पास हज़ारों कमेंट आ जाते हैं कि सर कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है क्वालिफिकेशन क्या होगी क्या जी फॉर्म को अप्लाई करेंगे बट मैं वीडियो में बोल रखा हूँ वीडियो में बताया रहता हूँ कि जी अप्लाई नहीं पाएंगे फिर भी मेरे पास कमेंट आता है इसलिए मैं दो से तीन बार रिपीट कर देता हूं और सारे डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं क्लियर है तो इसके बाद देखिए एज क्राइटेरिया की बात करें तो यू आर कैटेगरी के लिए मैक्सिमम जो एज है थर्टी फाइव ईर्स रखी गई है इसके साथ ही ओ बी सी वालों को तीन वर्ष की छूट मिलेगी और यूससी और यू एस टी वालों को दोस्तों पांच वर्ष की छूट यहाँ पर मिलने वाली है बाकी जनरल कैटेगरी के लिए जो एज क्राइटेरिया है ये थर्टी फाइव ईयर्स रखी गई है बाकी फुल नोटिफिकेशन का वेट करिए जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन जी हाँ देने वाला हूँ उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो चार से पाँच दिन वेट करिए बाकी यहाँ पे

पैंतीस हजार पाँच सौ रुपये आपकी सैली होगी जी हाँ इसके बाद देखिए आप लोगों की सॉर्टी बॉन्ड लगने वाली है ढाई लाख रुपये का जो कि सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पे नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे सौ रुपये का स्टाम्प पेपर होगा उसमें आपको ढाई लाख रुपये का बॉन्ड जमा करना होगा जब आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी और तीन साल से पहले अगर आप लोग जो है जॉब छोड़ के जाओगे तो आप लोगों को ढाई लाख रुपये का बॉन्ड यहाँ पे जमा करना होगा तीन साल से पहले अगर आप लोग जॉब छोड़ के जाओगे तो ढाई लाख रुपये का बॉन्ड यहाँ पे जमा करना होगा और जब आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी तो एक आप लोगों का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होगा जो कि

मेरिट के बेस पर दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन होगा कोई आपका एग्जाम नहीं होगा जी हाँ डीवीपी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा और कोई भी आप लोगों का सी मोड में एग्जाम नहीं होगा यानी कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा तो इसके बाद दोस्तों आप लोगों का डीवीपी होगा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा और इसी के बेसिस पर आप लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ पे दी जाएगी बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आय जाति निवास से या ओ बी सर्टिफिकेट या आप लोगों का ई सर्टिफिकेट एक अप्रैल दो के बाद का बना होना चाहिए एक अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाकी हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है बाकी दोस्तों आप लोग फुल नोटिफिकेशन का वेट करिए बाई मिस्टेक मेरे द्वारा कोई गलती हो जाती है उसे दोस्तों आप लोग माफ़ करना जी हाँ फिर आपको बता देता हूँ कि फुल नोटिफिकेशन जैसी आएगी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को फिर भी नीचे आप लोग कमेंट कर दो थैंक यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद